हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अनुप्रिया जी, तमाम विरोध और विरोधी दलों के तमाम के भेदभाव हो रहा है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी इसका एक लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे और आज ये बिल पास हुआ है। और आपने हाउस के अंदर भी देखा कि जो विपक्ष के साथी भी थे उन्होंने भी अपने जो उनके एकाध आपत्तियां थी उसको रखा, लेकिन बिल का मोटे तौर पर किसी ने विरोध नहीं किया और सही तरीके से सही समय पर, जैसा कि कहा गया कि बिल पास हो गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हमारी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनके लिए जो एक जेंडर जस्टिस का, एक जेंडर इक्वालिटी का सपना था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देखा था, आज वो पूरा हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी 3 साल के सजा का प्रावधान ठीक नहीं है, गैर जमानती अपराध ठीक नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजने की मांग कर रहे थे, राज्यसभा की राह आसान होगी? देखिए, न कहीं जो उनके संशोधन थे वो रखे थे, लेकिन कुल मिला के बिल बड़ी मजबूती के साथ पारित हुआ है। बिल को लेकर लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके एक दो उसमें कुछ उनके सुझाव हो सकते हैं। तो जिस तरीके से लोकसभा में पारित हुआ है, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ साफ कहने की जिस तरह से बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भी इसको लेकर समस्या नहीं होगी और यह बिल पास होगा। संसद भवन से कैमरा फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्रेस के लिए।